उत्तर प्रदेश के मैनपुरी बिछमा थाना क्षेत्र के जमथरी गांव के निकट उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गोलियों की गड़गड़ाहट ग्रामवासियों के कानों में गूंजने लगी, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामिया को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, जिसके पास से तमंचा व कारतूस बरामद किए गए। आपको बता दें, पूरा मामला बिछमा थाना क्षेत्र के जमथरी गांव के निकट पेट्रोल पंप के पास का है। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस की नज़र 25,000 के इनामिया इदरीस पर पड़ी। जब पुलिस ने उसे रोका तो वो भाग खड़ा हुआ और पुलिस से बचने के लिए तमंचे से फायरिंग करने लगा। पुलिस से बचाव में अपनी तरफ से फायरिंग की, उसके दाहिने पैर में गोली जा लगी। सर, एक इनकाउंटर हुआ है अभी पुलिस मुठभेड़ में, एक व्यक्ति जख्मी हुआ है, क्या पूरा मामला है? बिछवा थाना अंतर्गत फर्दपुर के पास बिछवा पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। एक व्यक्ति जो होंडा मोटरसाइकिल से था, उसको रोकने की कोशिश किया गया तो रुका नहीं, वो भागा। पुलिस ने पीछा किया, आगे जा कर के वो मुड़ा और उसके बाद से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जो उसके पैर में लगी, घायल अवस्था में मिला। पूछताछ में बताया कि उसमें इदरीश है, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। भोगांव से गैंगस्टर में ये वांछित चल रहा था, इसके ऊपर लगभग एक दर्जन मुकदमे हैं। इस संबंध में उसको अस्पताल में भेजा गया है और वांछित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई पुलिस भी जख्मी हुई है? और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ चलाया, अपने को सुरक्षित रखते हुए उसके ऊपर फायर किया। बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए थे, जिसके कारण पुलिस के ऊपर कोई चोट नहीं है। सर, उसने भी हमला किया था पुलिस के ऊपर? हाँ, पुलिस के ऊपर उसने फायर किया था। इसके पास से वो गाड़ी मिली है, तमंचा मिला है, कारतूस मिला है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।